नमस्कार दिल्ली तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्रा। कैसी है दिल्ली की किस्मत आज, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों की भाग्य आज साथ देंगे, यानी आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे मन से करते रहिए, अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए एक सलाह ये है कि अपने परिवार वालों पर किसी प्रकार का शक न करें। यदि किसी बात को लेकर के मतभेद हैं तो उन्हें सुलझाने का प्रयास करिए, लेकिन शक करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेष राशि वाले जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि अभी कुछ दिन रुक जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि ये समय किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र कर लेने का है। यानी यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में शुरू ना करें, पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, इसके बाद स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के काम शुरू करिए तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके काम समय पर और बिना बाधा के पूरे हो जाएंगे। बारी आ गई अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि मिथुन राशि वाले अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें, कोशिश करें कि घर में शांति बनी रहे। और हाँ, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके काम समय पर पूरे होंगे, बस आप अपना फोकस अपने काम पर लगा के रखिए। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए खास सलाह ये है कि बहुत ज़्यादा उधार लेन देन करने से बचें, यानी किसी से उधार लेकर के कोई काम इस समय ना करें तो अच्छा रहेगा। बारी आ गई अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की जो प्लानिंग है वो और स्ट्रॉन्ग करनी होगी, यानी जो भी काम करें वो योजना बना कर करें और योजना आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। यानी आप जो भी काम करेंगे उसमें इस समय हानि हो सकती है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के पहले से उसके बारे में सोच विचार करके आप काम शुरू करें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि संतान को लेकर मन में जो चिंताएं हैं उनको दूर करने का सही तरीका ये है कि आप बच्चों की बात भी ध्यान से सुने और वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर धैर्य से विचार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बारी आ गई अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि घर परिवार में जिस बात को लेकर के टेंशन है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, आपका समय अनुकूल है, बस आप अपने कार्यों में लगे रहिए। सिंह राशि वाले यदि सरकार से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है, आपको धन लाभ होगा। बात करते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अहंकार अपने कार्यों में ना दिखाएं, यानी किसी से बातचीत करते समय, किसी के साथ कोई काम करते समय ईगो दिखाने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत विनम्र बने रहिए। विनम्रता से जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो अहंकार दिखाने से कभी नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल कूल होकर के काम करिए। आपके लिए एक विशेष सलाह ये है कि भगवान गणेश की उपासना अवश्य कर लें, भगवान गणेश की शरण में जाएं, भगवान गणेश को एक दूबों की माला अर्पित कर दीजिए, इसके बाद अपने काम की शुरुआत करिए तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ भी होगा। बात करते हैं अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपके खर्चे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने बजट को ध्यान में रख करके पैसा खर्च करें। यदि स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी लग रही है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लीजिए। बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले अपने मन पर नियंत्रण रखें, बोलने से पहले एक बार सोच समझ लें, कोई ऐसी बात बिल्कुल ना कहें जिस पर आपको कॉन्फिडेंस ना हो, तो पूरी जांच पड़ताल करके सोच समझ करके अपनी बात रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर इस समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने खान पान को ठीक रखें। बात करते हैं अब धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आज अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, लोगों से बातचीत करते समय बिल्कुल विनम्र भाव से मीठे तरीके से बात करें, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, जो जितना प्रेम से जितना विनम्र भाव से बात करेंगे उतने ही अच्छे आपके काम बनेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। बारी आ गई अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि जो परेशानियां अभी चली आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर होंगी, ये समय शांति बनाए रखने का है, यानी धैर्य रखने का है। मकर राशि वाले इस समय जल्दबाजी में कोई कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले इस समय अपने परिवार पर ध्यान दें, आपके परिवार में जो मतभेद हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें कि परिवार में जो कलह है वो और बढ़ने ना पाए, घर में बिल्कुल शांति रहे। तो आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका समय अनुकूल है। बात करते हैं अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जो लोग हैं अपनी क्षमता का पूरे तरीके से इस्तेमाल करें और एक साथ ज़्यादा काम शुरू ना करें, पहले एक काम को शुरू करिए और उसको एक निश्चित मुकाम तक पहुँचाइए, इसके बाद दूसरे काम में हाथ डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में दिखाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, अपने नफ़ा नुकसान का आकलन करके काम शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो जो दर्शक अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं वो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल कमेंट में छोड़ दीजिए अपनी पूरी डिटेल के साथ, तो अगली बार जब मिलेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो दिल्ली तक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए दिल्ली तक। नमस्कार। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।